नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Redmi Note 8 Pro का कैमरा लेंस प्रोटेक्टर। ये देखिए दोस्तों, ये है कैमरा लेंस प्रोटेक्टर जिसको मैंने दोस्तों अपने मोबाइल पर इस पर Redmi Note 8 Pro का यूज किया है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों ये जो प्रोटेक्टर है आप इसे कितने रुपये परचेज कर सकते हो, और दोस्तों इस प्रोटेक्टर से आपके कैमरे पर क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, और आपको इसे क्यों यूज करना चाहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही दोस्तों मैं आपको इसकी प्राइस बताने वाला हूँ, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस है। आपको पता भी नहीं होगा कि इतनी कम प्राइस में दोस्तों आप इसे परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको इस पर लगा कर ही दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। तो दोस्तों ये देखिए, यह है रेडमी नोट 8 प्रो मेरा, जिसके ऊपर दोस्तों ये देखिए कैमरा लेंस लगा हुआ है। ये कैमरा लेंस पर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, आपको साफ विजिबल हो रहा होगा। ये देखिए इसका नीचे का जो पार्ट है एकदम ब्लैक हो रहा है, और उससे ऊपर थोड़ा वाइट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर जो लेंस लगा हुआ, ये लेंस के ऊपर दोस्तों ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है। और दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी जो प्रोटेक्टर होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो होते हैं वो थोड़ी मोटी प्लास्टिक टाइप में होते हैं, पिन्नी टाइप में। बट दोस्तों जो मैंने यूज किया है ये ग्लास का है, जैसे दोस्तों मोबाइल का जो टेम्पर ग्लास आता है जो उस टाइप से है, काफ़ी मोटा है, जिससे आपका ये कैमरों के लेंस होते हैं दोस्तों उस पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे, और काफ़ी ज़्यादा इनसे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने अप्लाई कर लिया था, ये देखिए आपको अब अच्छी तरीके से विजुअल हो रहा होगा। ये देखिए काफ़ी मोटा है ये। तो दोस्तों आप इसको क्यों यूज कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसे अपने मोबाइल पर यूज करते हो, तो अगर आप अपने फ़ोन को बिना कवर के यूज करते हो, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बिना कवर के फ़ोन यूज करना चाहते हैं, ये देखिए, तो आप इसे जब इस तरह से रखोगे तो आपके जो कैमरा है उस पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो कैमरा है बाहर की तरफ निकला हुआ है, कैमरा बम्प इसमें निकला हुआ है। अगर आप इस पर कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हो तो आपके कैमरे के ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं, जिससे आपका कैमरा दोस्तों ख़राब हो सकता है, तो इसलिए आप इसे यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन से, तो ये दोस्तों आपको 150-200 रुपये के समथिंग मिलेगा, प्लस दोस्तों 40-50 रुपये डिलीवरी चार्ज भी लग जाता है। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट मेंबरशिप है तो कोई बात नहीं है, फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अमेजन की प्राइम मेंबरशिप है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको डिलीवरी चार्ज देना होगा, तो ये आपको 200 रुपये का समथिंग पड़ेगा। बट दोस्तों मैंने इसे लगाया है अपनी, मैंने दोस्तों इसको मंगाया है अपनी लोकल मार्केट से, जिसका प्राइस दोस्तों काफ़ी शॉकिंग करने वाला है। ये दोस्तों ये देखिए, ये है Redmi Note 8 Pro का, ये देखिए लिखा हुआ है Redmi Note 8 Pro कैमरा लेंस, जिसको दोस्तों मैंने सिर्फ 40 रुपये में ख़रीदा है। 40 रुपये में दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे ये कैमरा लेंस प्रोटेक्टर मिल गया अपनी लोकल मार्केट से, आप देख सकते हो। ये देखिए आप इसी नाम से अपने मार्केट में ट्राई कर सकते हो, आप वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके। तो दोस्तों 40 रुपये मैंने इसे ख़रीदा है, और मैंने अपने इस कैमरे के लेंस पर लगा लिया है, इससे मेरे जो कैमरा है इसका प्रोटेक्शन पूरी तरीके से इसे मिल सके। तो दोस्तों जो लोकल मार्केट में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती हैं, बट काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन मंगाते हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, समथिंग 150-200 रुपये के बीच की, जो दोस्तों मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा है। इतने रुपये में आप अपनी मार्केट से चार इस तरीके से प्रोटेक्शन खरीद सकते हो, चार। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो उतने रुपये में दोस्तों आप अपनी मार्केट से एक लेंस ये प्रोटेक्टर भी खरीद लोगे, साथ ही दोस्तों एक अपने फ़ोन के लिए एक कवर भी खरीद सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, आपको तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।